नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आज हम सिंगरौली जिले के ओड़गड़ी ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। ओड़गड़ी ग्राम पंचायत में रोड की बड़ी समस्या है। आपको दिखा दें कि जो है स्कूली बच्चे विद्यालय जो है इस रोड से होके जाते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों के पैर में जूते नहीं है, जो बच्चे चप्पल पहने हैं वो अपने हाथ में लेकर इस रोड को पार कर रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति है जो है ओड़गड़ी ग्राम पंचायत के रोड का। आप देख सकते हैं ये विद्यालय स्कूली बच्चे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। आज जबकि यहाँ बारिश नहीं हुई है, बारिश होने के बाद इस रोड की क्या हालत होगी, बच्चे किस तरह से विद्यालय जाते होंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ से जहाँ तक मेरा कैमरा का फोकस जा रहा है, उधर से देखिए सामने टेम्पू आ रहा है, वहां तक की रोड यहां से दिखाई दे रही है और पूरी रोड की स्थिति एक जैसे है। रोड में कीचड़ और पानी भरा हुआ है। ये विद्यालय के बच्चे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप जो है नंगे पैर जा रहे हैं, जो चप्पल पहने हाथ में लेके जा रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति जो है ओड़गड़ी ग्राम पंचायत का है। यहाँ ओड़गड़ी ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं, आइए हम इनसे मुलाकात कराते हैं कि इनकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं। सर नमस्ते, मेरा नाम ब्रजेश कुमार बैस है, ग्राम ओड़गड़ी के निवासी है। और सर यहाँ सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की अभी के डेट में बरसात में रोड का होती है, जो बच्चे तो पढ़ने नहीं आते हैं तो हम लोग दिक्कत नहीं आता है बहुत का, चलिए पढ़ने भर नहीं करें, लेकिन जिस दिन आदमी बीमार हो जाए, गाड़ी की समस्या पड़ जाती है, किसी प्रकार से उनको एम्बुलेंस की सहायता लिया जाए तो एम्बुलेंस घर तक जाने जाने के रोड आने जाने की बहुत दिक्कत पड़ता है। और यहाँ पंचायत में हम लोगों के क्षेत्र में उसका कोई ध्यान, गाँव के जो मुखिया है जिसके बारे में हम लोग इतने बार में 10-20 लोग पहुँच लोग 80,000 रुपये गाँव में चंदा से सहयोग बनाए हैं। बनाने के बाद पंचायत का आने वाला है, थोड़ा बहुत मिट्टी का कार्य किया जाता है। पिछले साल बरसात में मिट्टी डाल दिया गया, जिसमें इतना मिट्टी कच्चा मिट्टी पूरा रोड एकदम बाधित है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये देखिए टेम्पू इस पिक्चर से होते हुए आ रहा है, आइए हम टेम्पू के ड्राइवर से बात कराते हैं कि इस रोड में चलने की समस्या बता होती है। जैसे कि आप इस रोड में जा रहे हैं, इस रोड में चलने से आपको क्या समस्या होती है? समस्या सर यही हो रहा है कि बच्चे लोग कभी गिर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि रोड में कभी हमारा टेम्पू कहीं इधर घर जाता है तो उधर जाने की आजू बाजू में। ये रोड की स्थिति ऐसा कब से बनी हुई है? हम जब से आए हुए यहाँ हमको हो गया 5 साल, यहाँ रहते हुए 5 साल से ही हमको प्रॉब्लम है, देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये टेम्पू कभी कभी ऐसा मिट्टी गिरा देते हैं कि और जला स्लिप करने लगता है, दिक्कत आता है। आप देख सकते हैं ये टेम्पू ड्राइवर हैं, ये टेम्पू लेके अपना जा रहा है। हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे इनके टायर की ओर कैमरा को घुमाएंगे और दिखाएंगे कि उनका जो है टायर दबा हुआ है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जब बारिश होता है तो टेम्पू ले जाना भी मुश्किल हो जाता है। इनके द्वारा बताया गया कि विद्यालय के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो इस रोड से होकर गुजरते हैं, उन बच्चों का क्या हालत होती है, बेचारे स्लिप करके गिर जाते हैं, जूता पहन के नहीं चल सकते, चप्पल हाथ में लेके जा रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति है ओड़गड़ी ग्राम पंचायत के इस रोड का। और हमारे साथ कई ग्रामीण बने हुए हैं, आइए जो है ये भाई साहब का कुछ बातें अधूरी रह गई थी उनका बात। मेरा नाम नितेश कुमार सिंह है, यहाँ वोट लेने के बाद आंकने तक नहीं आते हैं, कितना भी बुलाया जाए, कितना भी कुछ किया जाए, यहाँ कुछ करने नहीं आते हैं। और जो कुछ है यहाँ बच्चे के लिए परेशानी तो जो हो रही है तो देख ही रहे हैं आप लोग, और पूरा ग्रामीणों के लिए परेशानी है इस रोड में। इससे अच्छा तो अगर दहर होता एक तो वो बढ़िया होती। देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जब से पंचायत का चुनाव हुआ है, इनके द्वारा जो है सरपंच सेक्रेटरी पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब से चुनाव हुआ है सरपंच सेक्रेटरी तो कभी इधर दिखते ही नहीं है। और वाकई में देख के भी पता चलता है जैसी यहाँ की रोड की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। जो है बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि विद्यालय दूर है, इसी रोड से होकर उन्हें जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और बारिश नहीं होने पर जब रोड की ये स्थिति है तो बारिश होने के बाद क्या स्थिति होगी। हमारे साथ और ओड़गड़ी ग्राम पंचायत के कई लोग बने हुए हैं और आइए विशेष तो समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं। जी सर, यहाँ पर हम लोगों को इस रोड के लिए जहाँ से हम लोगों का लगा कि यहाँ से सहयोग मिल सकता है, विधायक तक हम लोग प्रयास किए, लेकिन अभी तक हम लोगों के हाथ में जो सफलता है तो आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। और रोड के साथ साथ हर पंचायत का कोई भी कार्य ऐसा हम लोगों को अभी लाभ दी, जो शासन की योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसी भी बुनियादी तौर पर यहाँ पर हम लोग उस योजनाओं को क्रियान्वयन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है और न ही लाभ मिल रहा है यहाँ ग्रामीणों को। देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे ग्रामीणों को काफी राहत हो सके, लेकिन इनके द्वारा जैसा बताया गया कि सरकार की किसी योजना का लाभ ओड़गड़ी ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को मिलते नजर नहीं आ रहा है। और हमारे साथ ग्रामीण बने हुए हैं,
आइए हम इनसे भी मुलाकात कराते हैं। ये कई बार बता चुके, चाहे वो हिंडालको का समस्या रही हो, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र की समस्या रही हो, या विद्यालय की समस्या हो, कई ऐसी समस्या इनके द्वारा भी बताई गई है। और फिर से हम चाहेंगे कि जो है ये अपनी समस्याओं को आपके सामने रख सके। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ SDM साहब एक बार जांच करने आए थे इस रोड में चल के, और देख चुके हैं कि इस रोड में चलने में क्या समस्याएं होती हैं। फिर भी इस रोड का सुधार या ये हिंडालको से जो प्रदूषण, दूषित जल, कई ऐसी समस्याएं हैं यहाँ का जो हम आज आपको दिखा रहे थे, ये बहुत बड़ी समस्या है। कैमरामैन वंशमणि द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, 24 न्यूज़ सिंगरौली।